भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को देश भर से लाखों लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। नई दिल्ली में उनके आवास और फिर वहां से भाजपा मुख्यालय में लाई गई अटल जी की पार्थिव देह के दर्शनार्थ लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हर दल के छोटे बड़े नेता पुष्प अर्पित करके उन्हें याद कर रहे हैं, तो जनता व बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने नेता को अंतिम बार देखने पहुँच रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत, लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायकों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। सभी राज्यों के सीएम भी दिल्ली आए हुए हैं। अटल जी का गुरुवार शाम को निधन हो गया था। एम्स अस्पताल से उनकी देह उनकी आवास पर लाई गई, जहां लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। आज शुक्रवार को सुबह आवास के बाद उनकी देह भाजपा मुख्यालय ले जाई गई, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह समेत कई नेता गुरुवार शाम से अब तक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोपहर में भाजपा मुख्यालय से उनकी यात्रा प्रारंभ होगी, जो शाम को राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक जाएगी। वहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अपने प्रिय नेता व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम सफर के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख लोग अब तक आ चुके हैं। यमुना किनारे राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर 1.5 एकड़ जमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल बनाया जाएगा। अटल जी के निधन पर अमरीका, चाइना, पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दुख जताया है।